सत श्री अकाल। मैं हरप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डी पंजाबी ढाबा में। कितना मजेदार मौसम होता है ना ये बारिश का। जैसी बारिश गिरती है हमें भूख लगने लग जाती है, और भूख भी कैसी, तीखा चटपटा स्ट्रीट स्टाइल खाने की। हम अक्सर क्या करते हैं बारिश होती है तो, जब बारिश थोड़ी कम होती है हम गाड़ी उठाते हैं और निकल जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए। लेकिन अब बाहर जाके स्ट्रीट फूड खाना सेफ नहीं है, तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज हम बनाएंगे 5 बजे की छोटी भूख में मशरूम मंचूरियन, और ये मशरूम मंचूरियन बनेगा स्ट्रीट स्टाइल में, एकदम देसी तड़के वाला मज़ेदार। और आप सब तो जानते ही हैं मशरूम हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है, इसमें बहुत बढ़िया क्वांटिटी में प्रोटीन रहता है, और जितना मशरूम हेल्दी रहता है उतना ही टेस्टी भी बनता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं किचन की और बनाते हैं अपना स्ट्रीट स्टाइल मशरूम मंचूरियन। तो सबसे पहले हमें मशरूम को अच्छे से धोना पड़ेगा। तो मशरूम को धोने के लिए सबसे पहले आप लीजिए मशरूम और उसे 4 इक्वल साइज़ में काट लीजिए, अगर ये साइज़ का मशरूम आपके पास है तो। अगर छोटा है तो उसे आप 2 हिस्से में भी काट सकते हैं। तो देखिए ये मशरूम धोने की जो टेक्निक है ना, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। मशरूम हमेशा आप जब धोएंगे तो सबसे पहले आप मशरूम को काटिए, उसे एक बाउल में डालिए और उसके ऊपर डालिए गेहूं का आटा। अब आप सोच रहे होंगे गेहूं का आटा क्यों डाला है मैंने यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप बर्तन धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं वैसे मशरूम धोने के लिए गेहूं का आटा डिटर्जेंट का काम करेगा आपके लिए, और ये मशरूम को अच्छे से साफ़ कर देगा। अब मशरूम जो है उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है और गंदगी होती है, तो हमें मशरूम साफ़ करके खाना चाहिए। तो आप उसमें गेहूं का आटा डालिए, पानी डालिए, फिर अच्छे से उसे हाथों के बीच में रगड़िए। एक बार आप इसको रगड़ के पानी को फेंक दीजिए और दोबारा एक बार और पानी डाल के उसे फिर से अच्छे से रगड़िए। तो आप देखेंगे कि जो आपके मशरूम के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट ब्राउन स्पॉट्स होंगे वो पूरे हट जाएंगे और आपका मशरूम जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अब हमें मशरूम को मंचूरियन बनाने के लिए उसे कोटिंग करनी पड़ेगी, और कोटिंग करने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैदा। इसके बाद हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, फिर हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, और इसे हम थोड़ा सा पानी मिला के एक स्लरी बना देंगे, पेस्ट बना देंगे इसके लिए। तो ये देखिए ये घोल हमने तैयार कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ताकि मशरूम इसे अच्छे से कोट हो जाए मशरूम इसमें, ये देखिए ऐसा होना चाहिए। तो अभी हमारी कोटिंग तैयार हो चुकी है, इसमें हम डाल देंगे मशरूम जो हमने धो के रखे हुए थे, उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो कोटिंग है वो पूरे मशरूम में लग जाए। तो ये देखिए हमारी कोटिंग जो है बहुत बढ़िया तरीके से लग चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मशरूम को हम अब रख देंगे रेस्ट करने के लिए। जब तक हमारे मशरूम रेस्ट होंगे तब तक हम सब्जियां काटेंगे जो हमको मंचूरियन में तड़के मारने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे लिया मैंने 2 से 3 मिर्ची, 1 प्याज पेटल कट, लहसुन की 3-4 कलियाँ और अदरक का 1/2 इंच का टुकड़ा। यहाँ पे लिया मैंने कैप्सिकम, शिमला मिर्ची और सूखी लाल मिर्च को मैंने काट लिया है। तो चलिए मशरूम जो है हमारे फ्राई करने का टाइम आ गया, हम तेल रख देंगे कढ़ाई में डाल के गैस के ऊपर, और तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब हम डाल देंगे मशरूम। जब आप तेल गर्म करेंगे तो आप इसे हाई फ्लेम में गर्म करें, और जब आप मशरूम डाल दें अपने पूरे उसके बाद इसे कर दें आप मीडियम फ्लेम में, और मीडियम फ्लेम में करके इसे अच्छे से रोस्ट करें। अब इसे ओवर क्राउड ना करें, बहुत ज़्यादा ना भरें ताकि ये आपस में चिपके मत, क्योंकि इसमें लगा हुआ है कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर जो है वो आपस में चिपक जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें इसे ओवर क्राउड ना करें। तो इसे थोड़ी देर 5 मिनट या 6 मिनट लगेंगे। ये देखिए हमारे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और क्रिस्पी भी बहुत बढ़िया हुए हैं। तो अभी इसके मैं निकाल देता हूँ, इसके बाद मैं आपको ये कितने क्रिस्पी हैं इसकी आवाज़ सुनाऊँगा। एक एक करके इसे टिश्यू पेपर
रख के प्लेट के ऊपर इसे निकाल दे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में लग जाए। तो ये देखिए हमने एक करके सारे मशरूम निकाल दिए। तो अभी देखिए कितने क्रिस्पी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप आवाज़ सुनिए, तो है ना क्रिस्पी, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम इसके लिए सॉस की तैयारी करते हैं। हमें किन किन सॉस की ज़रूरत पड़ेगी, सोया सॉस डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच, फिर हम उसमें डाल देंगे चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस 2 बड़े चम्मच, फिर उसमें डाल देंगे टमाटो सॉस 2 बड़े चम्मच, आप चाहे तो टोमेटो केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हम डाल देंगे इसमें विनेगर 1 छोटा चम्मच और इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी मंचूरियन के लिए सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए अब यहाँ देखिए मैंने सारी तैयारियाँ पहले से कर ली हैं। सबसे पहले मैंने सब्जियाँ काट ली, मैंने मशरूम फ्राई किए, फिर जितनी भी सॉस थी सबको मिक्स कर लिया। ये सब करना इसलिए पहले ज़रूरी है क्योंकि चाइनीज फूड जो होता है वो हमेशा हाई फ्लेम में बनता है। मैं आपको पहले पुराने वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि चाइनीज फूड जो होता है वो हमेशा हाई फ्लेम में बनता है, और जब हाई फ्लेम में खाना बना रहे हो तो आपके पास सारी तैयारियां होनी चाहिए। अब आप हाई फ्लेम में तड़का मारने जा रहे हैं और आपके पास प्याज कटा हुआ नहीं है, तो जब तक आप प्याज काटेंगे तब तक आपकी मिर्ची अदरक लहसुन सब जल जाएगा। इसलिए पहले से पूरी कटिंग कर लें, मशरूम भी फ्राई कर लें और सॉस भी तैयार कर लें ताकि बस फाइनल आपको तड़का मारना पड़े। चलिए सारी कटिंग हमारे पास तैयार है, हम करते हैं तड़के के लिए तैयारी चालू। इसके लिए आप पैन रख दीजिए, पैन में डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच तेल। तेल आपका जैसे ही गर्म हो जाए इसमें आप डाल दीजिए लहसुन, फिर अदरक। अब इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च, इसे आप थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। जब ये हल्के फ्राई हो जाए तब इसमें आप डाल दीजिए ग्रीन चिल्ली। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज, फिर हम डालेंगे शिमला मिर्च और इसे फ्राई करेंगे। अब इसे थोड़ा फ्राई करना है, मतलब 80% के आसपास इसे फ्राई करेंगे हम, बाकी फिर मंचूरियन डालने के बाद में इसे फिर से फ्राई करेंगे जब हम मशरूम डालेंगे इसमें। चलिए ये सब चीज़ डाल दी हमने, इसमें हम डाल देंगे सॉस। जब आप सॉस डालें तो गैस को कर दें आप लो फ्लेम में और इसे अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए तो इसमें हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर वाला पानी, इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर घोल के रखा हुआ था पानी में। आप 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर लें, उसे पानी में अच्छे से घोलें और इसमें डाल दें, इससे स्टिकी टेक्सचर आएगा आपके मंचूरियन में। फिर इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर क्रश किया हुआ, कितना बढ़िया कलर है सॉस डालने के बाद। अब डालेंगे नमक स्वादानुसार, ध्यान रहे आपने मशरूम की कोटिंग में भी नमक डाला था, नमक उतना ही डालें जितनी ज़रूरत हो। इसमें हम डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे मशरूम, हमारे क्रिस्पी मशरूम जब इसमें चले जाएंगे इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे बढ़िया से मिक्स करना है ताकि आपके हर मशरूम के पीस में जो सॉस है उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। ये देखिए बढ़िया से इसे मिक्स कीजिए, और अगर आप टॉस करना जानते हैं तो इसे टॉस भी कर दीजिए। टॉस करना बहुत इजी काम है, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ इसमें, आप हमेशा टॉस करें तो लेफ्ट हैंड से करें आपके। ये देखिए ये कितने आसानी से हो गया। तो लीजिए तैयार है आपके मशरूम मंचूरियन घर में स्ट्रीट स्टाइल में, इसे हम कर देंगे एक प्लेट में सर्व। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितना बढ़िया टेक्सचर भी आया है, लग रहा है ना एकदम स्ट्रीट स्टाइल। अब थोड़ी सी पंजाबियत चाइनीज फूड में भी हम डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया। तो लीजिए तैयार है आपके स्ट्रीट स्टाइल मशरूम मंचूरियन। अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बनाइए और खाइए अपने स्ट्रीट स्टाइल वाले मशरूम मंचूरियन। चलिए तो इसे हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। चलिए मैंने यहाँ पे फॉर्क ले लिया है, एक पीस मशरूम का मैं निकालता हूँ इसमें से। वाह वाह देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया, कितने बढ़िया दिख रहे हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए मैं खा के देखता हूँ। वाह मज़ा आ गया, बारिश और स्ट्रीट स्टाइल वाला मशरूम मंचूरियन लाजवाब, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अपने घर में बनाइए, खुद भी खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो एक लाइक आपकी तरफ से बनता है।
और इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप अक्सर स्ट्रीट फूड खाने के लिए बाहर जाते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है और साथ में बेल आइकॉन ये दबा दीजिए, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हमको मोटिवेशन, ताकि हम आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नए दिन नए जायके के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सत श्री अकाल।